nunca dejo. Au, au, nunca dejo. Au, au, nunca dejo. Au, au, nunca dejo. Thank you.
خود سلامت برو کنم آدم Sorry, but you are rejected. You can go. पता नहीं कहां कहां से आ जाता है फौजी बनने. इतना भी आसान नहीं है फौजी बनना. अरे तू क्या देश की सेवा करेगा? जा जा, जाके गांव में भैंस चरा. फौजी में ऐसे किसी को नहीं ले जाते. तू हमेशा नाकारा का नाकारा ही रहेगा. अरे आदित्य, आजकल क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम? और रहा है क्या मैडम? अरे एक ही तो सपना था बाद में जाकर देश की सेवा करने का, मगर नहीं, मैं वो भी नहीं बन चुका. कोई काम नहीं आ रहा अपने देश में. अरे तुमको ये किसने कह दिया तुम भी फौज में जाकर देश में काम आ सकते हो? हमारे आसपास ही देख लो, डॉक्टर मरीजों का सेवा करके देश के सुरक्षा में देश का सेवा करते हैं. और टीचर, वो हमारे देश का भविष्य बनाते हैं. इंजीनियर, वो भी देश के तरक्की में कितना सहयोग करते हैं. तो तुमको ये किसने कह दिया सिर्फ फौज में जाके ही तुम अपने देश का सेवा कर सकते हो? लेकिन मैडम, मैं इतना भी पढ़ाई में अच्छा नहीं कि कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन जाऊं. सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, हॉकी खेलो, देश का नाम रोशन करो, हॉकी में अपना देश का नाम बढ़ाओ. उस हिसाब से तुम देश का सेवा कर सकते हो. आप सही कह रहे हैं मैडम, मैं आज से अपने देश के लिए हॉकी खेलूंगा. धन्यवाद मैडम. कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये तो बहुत सुना है, लेकिन बात भी तो यही है कि सिर्फ सुना है. चाहे हम किसान हो या कोई बड़े ऑफिसर, चाहे हम फौजी हो या कोई डॉक्टर, चाहे हम सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, हर एक काम एक दूसरे के बिना अधूरा है. हर कोई इस देश की सेवा और उन्नति के लिए समर्पित है. अरे स्वाधीन, आज तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया? हाँ कुछ काम था इसीलिए थोड़ा लेट हो गया. अच्छा चलो अभी चलते हैं. चलो. अरे चिंके, अरे चाइनीज कोरोना, अरे कराटे दिखाओ कराटे. यस मोमोस मोमोस. बस करो तुम सब, क्या ये चाइनीज चाइनीज बना रखा है? और नहीं तो क्या, हम मेघालय और अरुणाचल से ही तो है, वो भी तो इसे इंडिया में ही है. डॉक्टर तो नहीं हो? आधार कार्ड है या पासपोर्ट? अरे कुछ होगा तो बोलेंगे ना. मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि तुम लोग हमारे इंडिया में क्यों रहने चले आते हो. तुम्हारे मोमोज वो नहीं बिकते क्या? कितने बत्ता मिलते हो तुम सब? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बोलकर हमें नीचा दिखा रहे हो? पर नहीं, तुम ये सब बोलकर हमारे देश और देशवासियों को नीचा दिखा रहे हो. तुम जैसे लोगों की वजह से हमें अपने ही देश में रहने को जगह नहीं मिलता. कोई चीज खरीदने जाओ तो चिढ़ाकर भगा देते हैं. हमें अपने ही देश में गैरो जैसा महसूस करवाया जाता है. हमारी बोली को लेकर, हमारे पहनावे को लेकर हमारा मजाक उड़ाया जाता है. तुम लोग कब से हमारे देश का हिस्सा बन गए? तुम तो चाइना के बेटे हो, हमने तो तुम्हें पाल के रखा हुआ है. और नहीं तो क्या, तुम भी तो चाइना वालों की तरह चम्मच और चूड़े खाते हो. तुम्हारी वजह से तो कोरोना हुआ था. चुप करो, तुम्हें क्या पता हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि हम इस देश के कितने बड़े वीर हैं. हमारा भी लहू इस देश में बहा है. तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि भारत का इस विशाल सेना में एक रेजिमेंट नागा रेजिमेंट भी है, जिसके वजह से तुम रात को शांति से सो पाते हो. और भूल गए मेरी कौम को, जिन्होंने कितनी बार भारत का सर धर्म से ऊंचा किए, वो भी तो हमारे जैसे ही. जा जा,
कि हम हैं। अरे अरे, इसने आर्मी के पोस्ट पे लाइक नहीं किया, ये तो पक्का गद्दार है। अच्छा, एक लाइक नहीं किया तो गद्दार। और नहीं तो क्या, वो हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं और तू उनके लिए एक लाइक भी नहीं कर सकता। तुझे पता भी है यह टीम का नेटवर्क तक नहीं आता, वो लोग अपने घर से ढंग से बात तक नहीं कर पाते, और तुझे लगता है कि वो लोग तुम्हारे लाइक्स गिन रहे होंगे। माना कि वो लोग लाइक नहीं गिनते और ना ही इंस्टाग्राम यूज नहीं करते और ना ही इंस्टाग्राम यूज करते हैं, पर उन्हें फर्क पड़े या ना पड़े, हमारा तो काम बनता है। हमारी एक लाइक की वजह से ही तो उनका जोश भरा रहता है। क्या हमारे एक लाइक की वजह से उनका जोश? और नहीं तो क्या। अरे जरा सुनिए सुनिए, आप ही कुछ समझा इस मंद बुद्धि को। अरे बात क्या है, समझाना क्या है, इन जैसे लोग आर्मी के पोस्ट पर लाइक भी नहीं करते और इन्हें शर्म भी नहीं आता। पर क्या फर्क पड़ता है उन लाइक से? हमारे देश की आर्मी इसलिए ज्वाइन नहीं करती कि उन्हें लाइक से कोई फर्क पड़ता है, वो ज्वाइन करती है अपने देश और देशवासियों की रक्षा के लिए। देखा देखा, अरे कौन हो तुम? हो कौन तुम बताओ, ये तुम्हें पता भी चल रहा है कि क्या है हमारे देश का हाल और हमारे देश के सैनिकों का हाल? तुम जिस सेना के बारे में बात कर रही हो, मैं उसको जोगेंद्र, जरा मुझे भी तो बताओ क्या चल रहा है। आइए जानते हैं हमारे देश के सैनिकों का हाल। सीमा पे तैनात वो सैनिक भूखा नहीं है हमारे लाइक्स का, ना ही प्रचार का, वो तो बस चाहता है इस देश का विकास और सुरक्षा। अगर दे सकते हो उनको कुछ तो बस तो सम्मान उनको और उनके परिवार को। देते हैं सम्मान उन शहीदों को एक दिन और भूल जाते हैं उनके कर्मों को दूसरे ही दिन। सीमा पे खड़े हमारे सैनिक अपने परिवार वालों को छोड़ के इस देशवासियों की सुरक्षा के खातिर सीमा पे खड़े हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी उनके परिवार का उनका सहयोग करें। अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? नहीं पता, देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, बिना मास्क के घूम रहे हो। अरे सर, हाँ हाँ बताए बताए, पर थोड़ा जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ। जरूरी काम? क्या जरूरी काम है तुमको? सर वो कल न्यूज में देखा कि दारू पीने से कोरोना ठीक हो जाता है, तो सोचा कि आज रात दारू लाऊंगा, रात को पीऊंगा और सुबह कोरोना गायब। अच्छा, तो दारू के साथ चिकन भी ले आओ, चखना भी हो जाएगा। हाँ सर, अच्छा आइडिया है, आप भी चलिए हमारे साथ। चुप, मजाक करता है, बिना इमरजेंसी के बाहर निकल रहे हो, पता नहीं कोरोना फैला हुआ है, रोज हजारों लोग मर रहे हैं और बिना मास्क के तुम बाहर घूम रहे हो। सर इमरजेंसी बोल रहे हो, ये भी तो हमारा एक इमरजेंसी है। मजाक करता है, देखो मैं तुझे कॉल आया। हेलो अम्मा, प्रणाम, कैसी हो अम्मा? गुड़िया कैसी है? खुश रहो, मैं ठीक हूँ, बस जोड़ों का दर्द कम नहीं होता और ऊपर से लाडली की शरारतें, और कब आ रहा है घर? आ रहा हूँ अम्मा, जल्दी आ रहा हूँ। आप भी बिना मतलब के बाहर नहीं निकलिएगा और मास्क पहन के ही निकलिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपनी बीवी से बात कर। हेलो, हाँ जी कैसे आप? अच्छा हूँ, तुम तो ठीक हो? हाँ जी, यहाँ सब ठीक है। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, सरकार की बात कोई मान ही नहीं रहा, सब लॉकडाउन तोड़ के बाहर घूम रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ क्या हुआ?
बहुत दिनों से सर्दी सी हो रखी है, सांस भी नहीं लिया जा रहा और कमजोरी भी महसूस हो रही है। अच्छा, कितने दिनों से? करीबन एक हफ्ते से। एक हफ्ते से? तो अब तक तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है नहीं, देश में